ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि कंस का असली पिता कौन था। महाराज उग्रसेन की संतान कंस नहीं था तो फिर कौन था? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या एक मनुष्य का पुत्र इतना निर्दयी हो सकता है कि अपनी सगी बहन के ही बेकसूर नवजात को पत्थर पे सर पटक के मार दे। देवकी के पहले 6 पुत्रों को निर्ममता से मारा था कंस ने, और इसके बाद भी मथुरा गोकुल वृंदावन में जितने भी नवजात थे उन्हें भी मरवा दिया था कंस ने। यह काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, और कंस एक मनुष्य नहीं बल्कि राक्षस का पुत्र था। कंस महाराज उग्रसेन का नहीं बल्कि किसी और कहीं नाजायज संतान थे। बृहद भगवत की सृष्टि खंड में इस बात की पुष्टि की गई है कि शादी के बाद उग्रसेन जी की पत्नी पद्मावती कुछ दिन अपने मायके गई थी। तब पिता सत्यकेतु के यहां कुबेर के दूत राक्षस दुर्मिल का आना जाना था। दुर्मिल का दिल पद्मावती पे आ गया और उग्रसेन का भेष बदल के पद्मावती के पास पहुंच गया और संबंध बनाने का प्रस्ताव किया, जिसे पद्मावती ने स्वीकार किया। जब दोनों हमबिस्तर होने लगे तो दुर्मिल का धैर्य टूट गया और वो अपने राक्षस के रूप में आ गया। लेकिन इस पे भी उसके आकर्षण ने पद्मावती ने विरोध नहीं किया और दोनों ने राक्षस का बीज गर्भ में पहुंचा दिया। वही बीज परिपक्व कंस के रूप में जन्मा, जो कि अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का असुर था और फिर धरती पे आया अत्याचार करने के लिए। उसके जुर्म की इंतहा हो गई तो कृष्ण जन्मे और 3 साल गोकुल में रहने के बाद मथुरा आए और कंस का संहार किया। तो ये था उसके पिता का असली हकीकत। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।